हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्या सर इसमें अभी यह कोर्ट केस में कुछ और भी रह रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी है कि क्या ये भर्ती जो है कोर्ट ने रद्द कर दी है, क्या इस पर कोर्ट ने स्टे ले लिया है, क्या ये भर्ती रुक गई है। बहुत सारे मैसेज हैं बच्चों के, तो आइए सारे सवालों के आपके जवाब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बच्चों देखिए, किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिलेगा, बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि बच्चों को नॉमिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिलेगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग मैंने चीज़ें बताई हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और किसको नॉमिनेशन कितना मिलेगा, कितना हार्ड पेपर आया है वो भी बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। बात करते हैं कोर्ट केस की, यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा वालों की। यहाँ पे आपको पता होगा 2 से 4 हायरिंग के बाद आपका ये फाइनल हो जाएगा, जैसा यहाँ पे प्रतीत होता है और जैसा मुझे सुनने में आया है वकील वगैरह से, तो उन्होंने बताया कि 2 से 4 हायरिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा, या तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बच्चों के हित में इसका जो है जजमेंट आ जाएगा, या फिर इनका अलग से हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है बच्चों के हित में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा पहले इन्होंने जो है नोटिफिकेशन जो निकाला था उसमें इन्होंने सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से की थी। उसके बाद बच्चों ने इनको मेल भी किया था और बच्चों ने बहुत सारे इनके प्रूफ हैं जो अपने पास रखे हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चों के हित में ही ये आना चाहिए और आएगा भी, मुझे ऐसा लगता है 99% मुझे लगता है कि बच्चों का यहाँ पे हित में ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है ख़त्म होने वाली है, वो लास्ट अपने स्टेज पर हैं, तो मुझे लगता है उनके इसमें आना चाहिए। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। बच्चों यहाँ पे रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपका, तो रिजल्ट आपको बता दूं मैं, यहाँ 10 जुलाई से 30 जुलाई तक संभावना जताई जा रही है 90%, ये 100% नहीं है बच्चा, तो यहाँ पे 90% संभावना जताई जा रही है कि 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट और आपकी रिवाइज आंसर की आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिवाइज आंसर का इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1-2 नंबर से, आपको पता होगा कि जो सब इसमें सेक्शन वाइज क्वालिफाई थे, तो उसमें एक आध नंबर अगर मिल जाता है बच्चों को तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्या यह भर्ती रद्द हो गई है, ये भर्ती हो जाएगी क्या, बहुत सारे बच्चों का मैसेज था। बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती रद्द नहीं हो सकती है बच्चा, ये भर्ती चलती रहेगी, कंटिन्यू चलेगी, कंप्लीट होनी ही है। बात यह है, बस कोर्ट केस की बात करते हैं यहाँ पे, कोर्ट ने इस भर्ती को क्या रोक दिया है अभी नहीं, बच्चों इस पर कोई स्टे नहीं लगा है, ये भर्ती चल रही है। आपको पता होगा इस पर थोड़े बच्चों ने रखा है, लेकिन इसका रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फिलहाल आपको पता होगा यूपीएसआई के बारे में बताता हूँ। यूपीएसआई में आपने देखा होगा, यूपीएसआई में ऐसा ही हुआ था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी, आपको पता होगा बाद में बहुत सारे बच्चे उसमें पकड़े गए थे यूपीएसआई में, तो कोर्ट स्टे नहीं लिया है वैकेंसी पर, तो इस पर भी नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर स्टे हो गया, ये भर्ती रुक गई है। अब पहले कंप्लीटली डिप्लोमा और इनकी हायरिंग हो जाए, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा, लेकिन रिजल्ट मेरे हिसाब से उससे पहले जरूर आ जाएगा, 10 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो अगर आपने इसका पेपर दिया है बहुत अच्छे से और आप हर सब्जेक्ट में सेक्शन क्वालिफाई आपने किया है, तो बहुत अच्छी बात है, अपने फिजिकल पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।